हेलो गुड इवनिंग अमन हाय अमन हाय राहुल हेलो उज्ज्वल हाय क्रिश हेलो अवनी हाउ आर यू ऑल आवाज़ आ रही है मेरी ओके हेलो हाय रोहित आई होप आई रिमेंबर योर नेम सी एस ए जी ठीक है चलिए थैंक यू सो मच हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर गुड वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई एम ये प्रियंका एंड नाउलिंग थैंक यू थैंक यू रोहित ओके सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी और यहाँ पर हमने एंड अप करा था अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चलिए मेरा आपसे एक सवाल है हम सारी बात मैटर के बारे में ही कर रहे हैं अभी भी बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं काफी दो तीन चैप्टर्स को इकट्ठा कवर कर रहे हैं यहाँ पर ही चलिए तो मेरा आपसे सवाल है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर ठीक है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर थैंक यू उज्वल थैंक यू रोहित हम्म जल्दी से चैट चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए hmm, गड़बड़ मिक्सचर कैसे हो सकती है गैस गैसेस नहीं बोल रही मैं आई एम जस्ट आस्किंग फॉर गैस सोच के जवाब दीजिए वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर ये टर्म्स आप यूज करते हैं ना जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में सोच के मुझे जवाब दीजिए हाय अदिति वेपर फोनली फॉर्म्स वन लिक्विड इज हीटेड ओके देखिए हमने यहाँ कुछ बातें लिख रखी हैं इससे इससे रिलेट करके सोच के दीजिए आई वॉन्ट यू टू स्ट्रॉम योर ब्रेन्स आप थोड़ा सा सोचिए क्योंकि बहुत जनरल चीज है आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको आपको पता है इस बारे में द टू सब्सटेंसेज आर वेरी मच डिफरेंट फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ मैटर इट हैज लो डेंसिटी

वेपर किसकी बनती है वेपर उस सब्सटेंस की बनती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है राइट right? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे उसकी वेपर बनेगी और गैस तो वो सब्सटेंस है जो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड रूम टेम्परेचर पे ही गैस है यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर देन रूम टेम्परेचर है और वेपर किसका बनता है वेपर उस सब्सटेंस का बनता है जो कि लिक्विड है रूम टेंपरेचर पे यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लोअर है रूम टेंपरेचर से लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो जब आप उसे हीट करेंगे तो हीट करने पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और गैस में कन्वर्ट होगा तो वो बनाएगा क्या वेपर्स जैसे कि हम क्या कहते हैं वाटर वेपर कहते हैं ना वाटर की गैस नहीं कहते ना वाटर वेपर कहते हैं स्टीम को वाटर वेपर कहते हैं और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कहते हैं तो जनरल हम जो बोलते हैं उसका एक्चुअली मतलब क्या है और उनमें थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो आपको समझ आना चाहिए चलिए आगे बात करते हैं आ, अच्छा कोई बात नहीं रोहित हो जाता है हम्म तो नेक्स्ट आज हम बात करेंगे कुछ आ, मैंने आपसे कहा था एनसीआर लाने को क्या आप लाए हैं आपसे मैंने क्लास इलेवेंथ की एन लाने के लिए कही थी पिछली क्लास में क्या आप लाए हैं नहीं लाए तो जल्दी से दौड़ के जाओ ले आओ घर में ही हो ना जल्दी से जाओ दौड़ के जाओ ले आओ फर्स्ट पार्ट क्लास इलेवेंथ का हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ लिक्विड स्टेट के बारे में ठीक है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स ये क्या होती है क्या होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिक थ्योरी क्या होती है अच्छा ये बताओ काइनेटिक किससे रिलेटेड है वर्ड एनर्जी से एनर्जी किसके पास होगी एनर्जी होगी पार्टिकल्स के पास तो हम यहाँ किसके बारे में बात करने वाले हैं पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में उसके मोशन के बारे में और उसके मोशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उनके गैसेस सॉरी लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी से क्या फर्क पड़ता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं ओके okay. तो लिक्विड फेज आप जानते हैं कि लिक्विड फेज में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं गैशियस फेज से गैशियर स्पेस के अंदर क्या होता है पार्टिकल्स के बीच में इंटोमोलिकुलर स्पेसेस बहुत लार्ज होते हैं और इंटोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत लार्ज होते हैं और इंटोमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से काफी कम होते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी लिक्विड्स के अंदर क्या होता है लिक्विड्स के अंदर जो इंटोमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़े से बढ़े हुए होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेज एंड इसकी वजह से फोर्सेज ऑफ और इसकी वजह से स्पेसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस ठीक है तो अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं कि लिक्विड्स uh, की जो पार्टिकल्स uh, हैं उनकी काइनेटिक थ्योरी के बारे में अब अगेन बिल्कुल बेसिक बात क्या है कि जो लिक्विड्स हैं वो किससे बने हुए हैं वो उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं उनके अंदर क्या है मॉलिक्यूल्स तो लिखिए पहला पॉइंट पहला पॉइंट लिखिए लिक्विड इज अप ऑफ मॉलिक्यूल्स अ लिक्विड इज अप ऑफ ूल्स सेकेंड पॉइंट लिखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टूगेदर ठीक है पहला पॉइंट पार्टिकल्स आर लिक्विड इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूस सेकेंड पॉइंट मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट क्लोज टूगेदर आई यू राइटिंग आई यू राइटिंग आर क्वाइट क्लोज टूगेदर और फिर इसका रिजल्ट क्या और क्या होता है और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं लिक्विड के अंदर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि द इंटर फोर्सेस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर अ लिटिल लार्जर देन गैसेस तीसरा पॉइंट लिखिए अच्छा मैं लिख ओके सो इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स

Intermolecular forces, intermolecular forces of attraction are quite large, then molecules are in a state. Of constant motion, and the last one the average kinetic energy, average kinetic energy of molecules. of a liquid liquid is directly proportional is directly proportional to, to its absolute temperature to देर ये क्या हुआ गायब हो गया एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर डायरेक्टली डायरेक्टलीक्टली प्रोपोर्शनल टू देर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल राइट चलिए लिख दिया मैंने आपके लिए बोर्ड पे आप जल्दी से कॉपी डाउन कर लीजिए इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स क्या कह रही है अ लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अंदर हम लिक्विड के अंदर क्या क्या मोशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है उसके अंदर किस तरीके का मोशन है क्या पार्टिकल्स है कैसे बना हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अ लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट क्लोज टुगेदर और उसके बाद इंटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट लार्ज

कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं हर समय एक पार्टिकल जाता है दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है एंड साइमल्टेनियसली बहुत सारे और भी पार्टिकल्स उससे कही न कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहे होंगे इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है और किसी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है हाउ एवर जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो किससे रिलेटेड है जो पूरा हो ऑन द होल लिक्विड है उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है और उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे है

डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देर टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर है उस लिक्विड का केल्विन स्केल में उस पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है लेकिन इंडिविजुअली अब हम एवरेज ध्यान दीजिएगा मैं बार बार इसको आपसे समझाने की आपका ध्यान ले जाने की कोशिश कर करी हम यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एवरेज जो है वो सेम रहने वाला है ठीक है वो डिपेंड करेगा किस पे वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे कि लिक्विड का टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एवरेज बढ़ जाएगा टेम्परेचर कम करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी हाउ एवर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है ठीक है इज इट क्लियर हेलो इज इट क्लियर राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लिक्विड की हमने पहले बात कर चुके हैं इस बारे में लेकिन एक बार फिर हम और डिटेल में बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है शेप लिक्विड्स का लिक्विड्स डू नॉट टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच एवर दे आर केप्ट

कंटेनर दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम की अगर हम बात करें वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम लिक्विड्स की जो होती है वो होती है कॉन्स्टेंट ठीक है वॉल्यूम दे कीप देयर वॉल्यूम अब वॉल्यूम वॉल्यूम क्यों डू कीप देयर क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स आप देखिए ये इन्हीं से हम आंसर कर रहे हैं सारी बात ठीक है इन्हीं पॉइंट से हम रीजन दे रहे हैं सारी बातों का सारे ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी है वो किसका रिजल्ट है वो इस काइनेटिक थ्योरी का ही रिजल्ट है राइट right? वो इसी काइनेटिक थ्योरी का रिजल्ट है तो अगली बात हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिक्विड्स जो हैं लिक्विड्स दे कीप देयर वॉल्यूम तो कीप देयर वॉल्यूम अगर हम कह रहे हैं कि इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो वो वॉल्यूम अपनी बना के रखते हैं वो इतने फ्री नहीं हैं पार्टिकल्स uh, जो हैं वो इतने फ्री नहीं हैं कि वो पूरा फ्रीली मूव अबाउट कर पाए गैसेस की तरह सो so, हमने कहा यहाँ अट्रैक्शन so, नहीं है लेकिन इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े ज्यादा हैं इसलिए फ्री टू मूव तो है मोशन तो है कॉन्स्टेंट मोशन तो है पार्टिकल्स कैन मूव बट बट पूरी वॉल्यूम hmm. को नहीं फिल कर सकते नहीं आज गेसियर स्टेट नहीं पढ़ाएंगे बेटा आज इसमें जो लिक्विड स्टेट वाला पोर्शन है स्टेट कंप्लीटली एक पूरा टॉपिक शिवम ठीक है तो वो पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है तो उसको आ, आ, इसलिए उसको अलग से ही पढ़ेंगे तो उस बीच में हमको फिर इसको टच नहीं करना पड़ेगा इसको हम सॉलिड लिक्विड गैस प्रॉपर्टीज के साथ ही फिनिश करके खत्म कर देंगे लिक्विड लिक्विड वाला पोर्शन ठीक है इसलिए आज उसको यहीं खत्म करके फिर हम वापस Uh, मतलब इसी चैप्टर के पार्ट में मैंने छोटा सा लिक्विड स्टेट वाला पोर्शन कवर करके हम uh, इस चैप्टर को फ्री कर देंगे कि अब हमें सिर्फ गेशियस स्टेट और प्योरली गेस्ट स्टेट ही पढ़ना रह जाएगा है ना ठीक है शिवम जी ओके okay. डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी लिक्विड्स की हायर होती है देन गैसेस क्यों भाई क्योंकि उनकी पैकिंग जो है वो क्लोज होती है अगेन मोशन तो है कांस्टेंट मोशन तो है लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की जगह की वजह से क्या होता है आप देखिए यहां इनकी जो पैकिंग है इट इज क्वाइट क्लोज टूगेदर सो पैकिंग क्योंकि क्वाइट क्लोज टूगेदर है इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी कोई सवाल इस पर ओके देन नेक्स्ट कम्स कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेस के बीच में इंटोमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है तो उनको हम कंप्रेस कर पाते हैं लिक्विड्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा नहीं है एंड सेम एट द टाइम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लार्ज है तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस गा, से काफी कम है और हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली दे आर इनकम्प्रेसिबल और उसके लिए मैंने आपको कहा था एक एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखिएगा ठीक है देन लास्ट वन लास्ट वन क्या है डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे हज हम इनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं गैसेस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि बोथ आर फ्लू ठीक है गैसेस uh, भी फ्लूइड हैं लिक्विड्स भी फ्लूड्स हैं इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड में तो एक क्वेश्चन आता ही नहीं है कि पार्टिकल मूव करके जा पाए नॉर्मल कंडीशन में ठीक है तो गैसेस की अगर अब हम डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस में डिफ्यूजन बहुत लार्ज होता है क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा वेरी फास्ट कोलिजन होते हैं कोलिजन यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लेकिन लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस तो उसके अंदर कोलिजन भी कम होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस तो डिफ्यूजन जो है वो लेसर होता है एज कंपेयर टू गैसेस अब अगर इसको हम सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड से कंपैरिजन में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसलिए उनका मोशन भी ज्यादा है और इसलिए उनका कोलिजन भी ज्यादा है और इसलिए उनका डिफ्यूजन भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स ठीक है तो ये एक इंटरमीडिएटरी स्टेट हो जाती है अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से कुछ इन इस काइनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज और अराइज करती हैं जिनको हमें एक्चुअली देखना है किसमें इस लिक्विड स्टेट में जिसके लिए मैंने आपसे आज एनसीईआरटी मंगवाई है ठीक है प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी सबके पास है एनसीईआरटी जल्दी बताओ जल्दी बताओ चैट बॉक्स में एनसीईआरटी है सबके पास लाए तो जल्दी लेके आओ मैंने पिछली क्लास में बोला था आज की क्लास के लिए एनसीआरटी लाने के लिए हम्म मैंने आपसे एनसीआरटी लाने को कहा था देखिए बोर्ड पे हम्म हु, ओके ऑलराइट तो ये है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर यूनिट फाइव एनसीईआरटी टी क्लास इलेवेंथ का और इसके अंदर चलना है हमको बिल्कुल लास्ट पार्ट पे बिल्कुल लास्ट पार्ट पे जहां पे हम पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर ये रहा चलो क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी टी आज हमने खोल ली है शुरू कर दी है ठीक है तो एनसीआर टी दिख रही है क्लियरली चलिए तो एन टी हमें बिगिन करनी है यहाँ पे ठीक है चलिए बिगिन करते हैं और राइट सो हियर वी हैव एनसीआरटी एनसीआर क्या कह रही है लिक्विड स्टेट इंटरमोलिक्युलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर मैंने आपको जो भी बातें बताई आप जो कह रहे हैं कि शॉर्ट नोट बना दीजिए वो यहां सब लिखा हुआ है ठीक है लेट्स सी इंटरमोलिक्युलर फोर्सेज आर स्ट्रॉगर इन लिक्विड हम एक एक लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि आपसे कुछ भी छूटे नहीं और आपको अकेले बैठ के पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है एक एक लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आप भी एनसीआर आपके लिए पास एक रेफरेंस है देश की किताब टेक्स्ट है उसको साथ में रखिए जरूरी है वो ठीक है और राइट चलिए इंडो मोलिक्यूलर आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड स्टेट ये बात हमने कर ली पॉइंट वन काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर सो क्लोज दैट दे आर वेरी लिटिल दे दैट इज वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन लिक्विड तो यहाँ पे दे आर सो क्लोज वेरी लिटिल एमटी स्पेसर की बात हो गई यहाँ पे मॉलिक्यूसिडर हेल्थ टूगेदर बाई अट्रैक्टिव इंटर मॉलिक्यूलिसम बिकॉज मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज मॉलिक्यूल डू नॉट सेट फ्रॉम ईच अदर हाउ एवर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव पास वन अनादर फ्रीली

फ्रीली देर फोर लिक्विड कैन फ्लो उनकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से स्लिप ऑफ करके जा सकती है एंड देयर फोर दे कैन फ्लो कैन बी पोर दिन इसीलिए रखते हैं लेकिन एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जस्ट बिकॉज की लिक्विड की जो लेयर है वो स्लाइड पास्ट कर सकती है ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकती है एक दूसरे के ऊपर से मूव कर सकती है पूरी पूरी लेयर पूरी पूरी लेयर ठीक है सॉलिड्स केस में ऐसा नहीं होता है और गैसेस तो रैंडम मोशन में होती हैं ऑलराइट इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक इनटू द सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, सच दैट्स सच एज वेपर प्रेशर इसकी बात करने वाले हम सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी की बात करने वाले हैं हम आज की क्लास ऑलराइट वेपर प्रेशर क्या होता है इफ इन एन इवैक्यूएटेड कंटेनर अब आप सुनिएगा जरा ध्यान से हमने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसके अंदर से हमने इवैक्यूएट कर दी एयर यानी कि हमने उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया यहां तक कोई डाउट है पेज नंबर पेज नंबर 149 फोर्टी नाइन आई मॉन पेज नंबर 149 ठीक है चलिए अब आप आ जाइए थोड़ा सा ध्यान से हम चलते हैं चलिए भाई हाँ।, हाँ तो हमारे पास एक कंटेनर है

ठीक एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम क्या देखते हैं अच्छा आपने भी ये चीज अपने घर में ऑब्जर्व करेगी कभी कभी हम रात को एक ग्लास पानी भर के रख दे और उसके ऊपर ढक्कन लगा दे ठीक और हमको सुबह हम उस ढक्कन को उठा के उस लिड को उठा के देखें तो हमें उसमें बीच में क्या दिखती है वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखती है कि नहीं दिखती तो बस हम वही फिनल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो इवैक्यूएटेड कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड लिया और हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि उस लिक्विड लिक्विड liquid की शुरुआत में क्या होता है उसमें इवेपोरेशन होना शुरू होता है उसके पार्टिकल्स अब आप ध्यान से समझिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या कह रही है कि भैया पार्टिकल्स जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली रैंडम मूवमेंट में है इधर मूव कर रहा है इस मूवमेंट इधर हो रहा है उधर हो रहा है उधर हो रहा है, हो रहा है लड़ता भिड़ता जा रहा है पार्टिकल एक दूसरे से लेकिन लेकिन इन सबके बीच में काइनेटिक एनर्जी जो है उस सिस्टम की वो मेंटेन्ड है कुछ पार्टिकल्स जब भिड़ रहे हैं लड़ रहे हैं एक दूसरे से टकरा रहे हैं साइमल्टेनियसली तो किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है और किसी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है लेकिन उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है वो सेम रहती है उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है वो सेम रहती है वेर एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है कितनी ज्यादा इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब एक स्टेट को छोड़ के जाके दूसरे स्टेट में जाने के लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए दो पार्टिकल्स के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये पार्टिकल अगर इधर मूव करता है तो ये दूसरा पार्टिकल इसको पकड़ के खींच लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब इस फोर्स को ब्रेक अपार्ट करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए यस yes. तो ये वही एनर्जी है जिसको आप

कहाँ जाते हैं वेपर फेज में उसी कंटेनर के अंदर तो धीरे 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 क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ चल रहा है कॉन्स्टेंट रेट से कोलिजन कंटिन्यू हो रहे हैं और पार्टिकल्स मूव करके वेपर फेज में जा रहे हैं जब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर हो जाएंगे अभी तक शुरुआत में तो कुछ भी पार्टिकल्स नहीं थे वैक्यूम था लिक्विड से इवेपोरेशन शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद पार्टिकल्स ऊपर जाके इकट्ठे हो गए अब जब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए तो अब क्या होगा ऊपर भी गैस के पार्टिकल्स में कोलिजन होगा अब वेपर स्टेट है ना गैस तो उनके पार्टिकल्स में कोलिजन होगा रैंडम कोलिजन होगा ज्यादा कोलिजन होगा क्यों क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा कोलिजन होगा और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी कम हो जाएगी जिनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी वो अभी भी वेपर स्टेट में रहेंगे लेकिन जिनकी एनर्जी कम हो गई वो टकरा के नीचे आएंगे और जैसे ही वो लिक्विड के सर्फिस में नीचे आएंगे नीचे लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि वो भी अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहे हैं उनको पकड़ के खींच लेंगे ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहे हैं तो उनको पकड़ के खींच लेंगे तो ये प्रोसेस क्या हुआ गैस से वापस लिक्विड का कन्वर्जन गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्जन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन तो पहले हो रहा था इवेपोरेशन अब हो रहा है कंडेंसेशन कहा एक क्लोज कंटेनर के अंदर तो अब आप ध्यान से समझिए हुआ क्या लिक्विड एनर्जी पार्टिकल्स के पास है तो मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंट मोशन शो कर रहे हैं ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल सरफेस पे आ गए लिक्विड के और उनके पास एनर्जी ज्यादा थी ज्यादा होने की वजह से कहां से आई ज्यादा टकराने से किसी की एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर हुई तो किसी की बढ़ गई किसी की कम हो गई तो जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई वो सरफेस पे आया सरफेस पे आके वो इंटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक अपार्ट करके लिक्विड से गेशियस फेज में कन्वर्ट हो गया और इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन ठीक अंदर लिक्विड के ऊपर अब क्या हो रहा है कंटेनर के अंदर कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अब वो पार्टिकल्स कंडेंस होना शुरू होंगे किसी की एनर्जी कम होगी जिसकी एनर्जी कम होगी वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो गैस से लिक्विड में कन्वर्जन इज कॉल्ड कंडेंसेशन तो अब कंडेंसेशन का रेट जो है वो अचानक ज्यादा होगा और फिर क्योंकि धीरे धीरे कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो ऊपर हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर है वहां कम हो जाएंगे और कंडेंसेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा तो जब कंडेंसेशन का रेट कम हो जाए इतना कम हो जाए अच्छा एक सवाल बीच में होल्ड ऑन क्या जिस बीच में कंडेंसेशन हो रहा है क्या इवेपोरेशन बंद हो गया है क्या इवेपोरेशन बंद हो गया है जवाब दो जवाब दो जल्दी से क्या इवेपोरेशन बंद हो गया है जल्दी बताओ वेपोरेशन बंद हो गया है वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया ताकि बाकी कोई पार्टिकल इन्फ्लुएंस ना करे हम जो स्टडी करना चाहते हैं वेपर प्रेशर उसको बाकी दूसरे एयर के पार्टिकल्स होंगे तो वहां पे एयर की डेंसिटी और दूसरे पार्टिकल्स वो जगह ले लेंगे तो हमें अभी क्या चाहिए हमें वेपर प्रेशर चाहिए वेपर प्रेशर जानने के लिए हमको वहां और दूसरा कोई पार्टिकल नहीं चाहिए जो लिक्विड के सर्फिस पे प्रेशर एग्जर्ट करे ठीक है अभी इस बारे में और बात कर लेंगे कृष। पहले मैं इसको इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा ठीक है नहीं तो फिर आप दोबारा पूछ लेना right, तो चल रहा है कंडेंसेशन कंटिन्यूसली चल रहा है लेकिन कंडेंसेशन शुरू में फास्ट हुआ अब धीरे 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 कम होता चला गया इतना कम हो गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन तो अब आ गया है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक है इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद यह बात हम यहां से देख लेते हैं एक कंटेनर लिया हमने क्लोज कंटेनर और यहां पे है ये लिक्विड ठीक है इधर से हो रहा है इवेपोरेशन जब यहां बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए तो शुरू हो गया कंडेंसेशन और जिस वक्त जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस पर्टिकुलर टाइम पे इस स्थिति को हम कहते हैं स्टेट ऑफ हैज अटेन हम क्या कहेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अब इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में यहां पर जितनी भी वेपर्स हैं यहां पर जितनी भी वेपर्स हैं वो जितना प्रेशर लगा रही हैं जितना प्रेशर इस सरफेस पे लगा रही हैं किस पे इस लिक्विड के सरफेस पे ये वेपर्स जितना प्रेशर लगा रही हैं इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर क्या कहते हैं वेपर प्रेशर एक बार फिर से सुन लो क्या हुआ यहाँ पे थे बहुत सारे पार्टिकल्स इस लिक्विड के अंदर थे बहुत सारे पार्टिकल्स राइट ये पार्टिकल्स किसी रैंडम Uh, किसी काइनेटिक uh, एनर्जी से मूव कर रहे थे और इस रैंडम मोशन की वजह से बहुत सारे कोलिजन्स भी हो रहे थे टकरा रहे थे पार्टिकल्स आपस में टकराने की वजह से उनकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही थी अब कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई तो वो एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करके चले गए वेपर फेज में वेपर फेज में जाने को हमने कहा इवेपोरेशन सो दिस वॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन

एनर्जी कम या ज्यादा हो रही थी तो जिनकी जिन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गई वो वापस यहां नीचे आए और यहां पे लिक्विड पार्टिकल्स ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते उनको यहां पुल कर लिया तो ये वाला जो स्टेट हुआ ये कहलाया कंडेंसेशन ये कहलाया कंड वाइल बहुत सारे पार्टिकल्स थे धीरे 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 वो कंडेंस होना शुरू हो गए और जब उनका कंडेंसेशन होने लग गया तो यहां से रेट ऑफ इवेपोरेशन कंटिन्यूसली हो रहा था यहां से कंडेंसेशन कंटिन्यूसली हो रहा था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकेम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन उस स्टेट में हमने अचीव कर ली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमने अचीव कर ली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो जब हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर ली उस वक्त जितनी वेपर्स यहां पे प्रेजेंट थी उन्होंने लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर एग्जर्ट किया उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ यहां पे कोई सवाल है चलो जल्दी बताओ यहां पे कोई सवाल है आ गई अमन वेरी गुड अगर यहीं पे हम एक रेट और टाइम का ग्राफ बनाएं ठीक है यहीं पे हाँ यस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मदिति इट विल कंटिन्यू ठीक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी देखिए इस ग्राफ के थ्रू समझिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने बनाया है रेट और टाइम का ग्राफ ठीक है अब टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है मतलब यहाँ पे हमने इवेपोरेशन जब कराया जब हमने कंटेनर लिया था उस वक्त यहाँ पे <coughs> उस वक्त यहाँ पे एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं था एक भी लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं था और इसलिए क्या हो रहा था कंडेंसेशन का रेट जीरो था लेकिन

जब वेपर्स ऊपर जाने लगी तब कंडेंसेशन शुरू हुआ कंडेंस condens, कंडेंसेशन अचानक तेजी से शुरू हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे धीरे-धीरे कम हो गया एंड इट रीच्ड इक्विलिब्रियम तो ये जो स्टेट है जिसके अंदर ये हमको ये वाली सिचुएशन जो दिख रही है ये वाली दिस इज इक्विलिब्रियम ठीक है यहां पे दे आर गोइंग टू मर्ज तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कहलाएगा इक्विलीब्रियम पॉइंट ये आ जाएगा अपना इक्विलीब्रियम पॉइंट ओहो ही चले गए ये आ जाएगा इक्विलीब्रियम पॉइंट ठीक है ऊपर वाला ग्राफ है इवेपोरेशन का जो कॉन्स्टेंटली हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट से हो रहा है इवेपोरेशन ये इवेपोरेशन हो रहा है जो कांस्टेंट रेट से हो रहा है और ये कंडेंसेशन का ग्राफ है ठीक है ये कंडेंसेशन का ग्राफ है जो कि तेजी से शुरू हुआ और फिर हमको यहां पे क्या मिल गया इक्विलीब्रियम पॉइंट मिल गया जहां पे इक्विलीब्रियम अटेन कर लिया अब इक्विलीब्रियम होने के बाद जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस वक्त क्या होगा तब हमको क्या दिखेगा तब हमको जो जो इस लिक्विड के सरफेस पे अब जो ऊपर यहाँ पे वेपर्स हैं, ये वाली वेपर्स जो ऊपर यहाँ पे हैं, ये इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही होंगी उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर इस प्रेशर को इन वेपर्स के प्रेशर को कहेंगे हम वेपर प्रेशर बोलो यहाँ तक कोई डाउट है वेपर प्रेशर समझ आ गया अब बताओ। अब बताओ बताओ वेपर प्रेशर समझ में आ गया अब अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें टेम्परेचर नहीं बढ़ाएं तो अब क्या होगा अगर हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएं तो वेपर प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को अगर हम ना छेड़ें टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रहने दें तो जो इवेपोरेशन की स्पीड है रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है ठीक है चलिए वेरी गुड अच्छा अब आप यहाँ पे चलिए हम एनसीईआरटी पे चलते हैं वेपर प्रेशर इफ एन इवेकुवेटेड कंटेनर ठीक है क्या कह रहे हैं कि इफ अ पोर्शन ऑफ लिक्विड टू फिल रिमेनिंग वॉल्यूम लिक्विड जो है, वो हो रहा है पूरी वॉल्यूम को कंटेनर की जिसमें वेपर्स फिल हो जाएं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिक्विड

ियम इज स्टैबीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज और अब लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में एकक्विलिब्रियम इस्टैब्लिश हो गया है और ये इक्विलिब्रियम जो इस्टैब्लिश हुआ है इसी को हमने क्या कहा था इसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर हमने कहा था अब जो वेपर्स हैं अब जो लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स हैं, वो जो प्रेशर एक्जर्ट करेंगे सर्फेस पे दैट्स नोन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इस समय इक्विलिब्रियम आने के बाद जो वेपर्स का प्रेशर लिक्विड के सर्फेस पे एक्जर्ट हो रहा है दैट प्रेशर इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर सिंस प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन temperature टेम्परेचर डिपेंडेंट temperature टेम्परेचर be mentioned अब वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ठीक है टेम्परेचर से कैसे टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैन कैनेटिक एनर्जी जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सारा खेल ही काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ठीक है काइनेटिक एनर्जी ही तो चाहिए उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए इंटोमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ा के भी हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है राइट right? और अगर हम बाहर से अलग से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी हम उन पार्टिकल्स की, हम जादा, जादा पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं right? तो यहां पे हम क्या रहे? कि अगर आप पच्चीस डिग्री मेंशन कर रहे हैं तो मतलब आपको टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है इस लिक्विड का ठीक है आगे बढ़ते हैं लिक्विड इज हिटेड इन ओपन वेसल आप देखिएट करते हैं ओपन वेसल के अंदर तब वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है उसका वेपोराइजेशन हो रहा है लेकिन अब क्या कह रहे हैं फ्रॉम द सर्फेस सर्फेस से वेपोराइज हो रहा है यानी कि जब इवेपोरेशन होता है वो कहां से होता है सरफेस से होता है अभी मैंने आपसे क्या कहा कि पार्टिकल जो नीचे था वो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी गेन करके सरफेस पे आया और सरफेस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स हैं उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक अपार्ट करके चला गया कहा गेशियर फेज में ठीक है तो इवेपोरेशन जो है वो सर्फिस से होता है सो इवेपोरेशन इज अ अर्फिस फिनोमिनल एट द देशर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर अब देखिए चलिए पहले मैं इस बात को आपको समझा दूं उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं अब हमने यहां पे इस स्लाइड में बात करी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ये देखिए क्लोज्ड कंटेनर था हमने जिसमें वेपर प्रेशर को स्टडी करने की बात करी अब हम सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं और यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया एक वेसल लिया इस वेसल में लिक्विड है और लिक्विड के को हम कर रहे हैं हीट ठीक है एनर्जी दे रहे हैं अब एनर्जी देने पर क्या होगा पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी और हम यहाँ पे पहले हीट कर रहे हैं पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइट देखिए ये कहानी बार बार रिपीट होगी क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में पार्टिकल्स के कोलिजन की बात बार बार होगी तो मैं ये इतनी बार आपसे ये बात बोल रही हूँ इतने में आपको याद हो जानी चाहिए आपको ये लैंग्वेज समझ आ जानी चाहिए और ये लैंग्वेज क्यों समझ में आनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट एंड फ्रेम होकर के आते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में छप गया तो इससे कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए कोई ग्राफ दे दिया जाए कुछ भी बात कर ली जाए तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे ठीक है तो ये लैंग्वेज में इतनी बार बोल रही हूँ साथ -साथ बोलते -बोलते दिमाग में बस जानी चाहिए लैंग्वेज क्या हो रहा है पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं कोलाइड होने से कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही है कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो रही है हाउ एवर लिक्विड के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है ठीक है जिन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई थी वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड फेज से गेशियस फेज में चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो पार्टिकल्स अब वेपर प्रेशर हमको पता है किसी लिक्विड का हम किसी पर्टिकुलर एक्स लिक्विड की बात कर रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर हमको पता है जिस वक्त ये वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन कर ली हमने सारी बात वो सब कर चुके हैं जिस वक्त वेपर प्रेशर इज मोर सॉरी इज इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोसफेयरिक प्रेशर एटमोस्फेयरिक प्रेशर कितना होता है एट सी लेवल एटमोस्फियरिक प्रेशर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर उस वक्त क्या होगा नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो भी एनर्जी इतनी गेन कर लेंगे यहाँ पे उनको भी इतनी हीट मिल चुकी होगी कि वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए और ये नीचे से भी पार्टिकल ऊपर जाने लग जाएगा नीचे से बबल उठेगा बल्क में से बबल उठेगा और सीधे सरफेस से बाहर निकल के ग्लेशियर स्टेट में चला जाएगा ठीक है यहीं पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें हमने एनर्जी यहीं पर इतनी सारी दे दी हीट करके हीट करके हमने एनर्जी यहीं पे इतनी सारी दे दी कि उसके पास एनर्जी कितनी हो गई इस पार्टिकल ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कितनी इक्वल टू तो इट्स लेट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि अब वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया और ये गैस का बबुल यहीं से सीधे उठ के ऊपर चला जाएगा तो अब ये सब प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और ये जो फिनोमिनन है हम इसको कहते हैं बॉइलिंग ठीक है इस को हम क्या कहते है? boiling, right? तो अब आप देख रहे हैं राइट बल्किन यानी कि की अंदर से हो रहा है अंदर बीच में नीचे से पार्टिकल उठ के ऊपर जा रहा है गैशेस फेज में राइट right? चलिए वापस चलते हैं एनसीआरटी पे देखते हैं और क्या कह रही है एनसीआरटी चलिए यहां कह रही है

पूरे के पूरे लिक्विड आपने कभी घर में कोई वाटर बॉइल होते देखा है कभी भगोनी में पानी गर्म होते देखा है आप क्या उसको थोड़ा सा करके देखिएगा कि किसी वेसल में भगोनी में पानी लीजिए उसको गर्म करिए आप देखेंगे बबल्स नीचे से उठना शुरू हो जाते हैं अब वो छोटे छोटे बबल नीचे से क्यों उठ रहे हैं वही बात हम कर रहे हैं कि बल्क में से पार्टिकल राइस कर गैस राइस करे गैस का बबल नीचे से राइस कराए इवेपोरेशन में सर्फेस पे होता है जब आप भगोनी में पानी को गर्म करना शुरू करेंगे उस वक्त क्या होगा आपको सरफेस पे से वेपर्स दिखेंगी ठीक है लेकिन जिस वक्त थोड़ी देर हो जाएगी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी उस वक्त क्या दिखेंगे आप कि अंदर से बल्क में नीचे भगोनी के अंदर वो जिस भी बर्तन में गर्म कर रहे हैं उस बर्तन के अंदर नीचे आपको बबल्स दिखेंगे तो यहां पे हम कहना चाह रहे थे कि बिल्कुल यहीं से यहीं पर बबल बबल्स दिखना बबल्स दिखना शुरू हो गए ठीक है यहीं पे ही बबल्स दिखना शुरू ये बबल्स यहां वाले बबल्स ही राइज अप कर रहे हैं इसको कह रहे हैं हम बल्क, बल्क, इस बल्क नीचे से शुरू हो गए वाइल इवेपोरेशन में सर्फिस फिन होता है सर्फिस से रिलीज होते हैं बबल्स ना एक और बात में अगर आपने ध्यान इवेपोरेशन कहा हो तो रहा था इस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड फिर से बोल रही हूं ध्यान से सुनिएगा वेपर प्रेशर जिस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए बल्क में से पार्टिकल्स गैस में बदलते हैं और अब डायरेक्टली नीचे से ही बल्क में से ही वो ऊपर वेपर फेज में चले जाते हैं तो ये सब कहानी जिस टेम्परेचर पे हो रही है वहां से बॉइलिंग शुरू हो गई है और अब ये जो टेम्परेचर है ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड फर्दर अब हम इस इस के अंदर इस स्टेट के अंदर इस प्रोसेस के अंदर जब वो बल्क से लिक्विड्स अब लिक्विड ने पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करनी शुरू कर दी है अब हम और एनर्जी देते चले जाएं, और हीट देते चले जाएं, तो अब जो टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला नहीं है क्यों क्योंकि अब जो पार्टिकल्स हैं अब जो अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स नई दी गई हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो एनर्जी क्या काम आ रही है इट इज एक्टिंग एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड इट इज बींग यूज इन ओवरकमिंग द इंटर इंटरमोलिक्युलर फोर्सेज ऑफ

कंडीशन ऑफ फ्री वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड ध्यान से देखिए लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग वो सिचुएशन अब जो मैंने आपको बोली कि कौन सी वाली सिचुएशन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गया है किसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गया है किसके किसके वेपर प्रेशर के या वेपर प्रेशर बराबर हो गया आई थिंक इट शुड बी रिवर्स वेपर प्रेशर बराबर हो गया है एटमोस्फेरिक प्रेशर के उस वक्त जो टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे पॉइंट और ये फिन क्या शुरू हो गया है ये वेपोराइजेशन या बॉइलिंग का फिनोमिना शुरू हो गया है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट एट दैट प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स एट वेरियर टेम्परेचर इन गिवन इन फिगर फाइव पॉइंट वन टू चलिए ठीक है इसको छोड़ देते हैं हम वेपर प्रेशर कुछ लिक्विड्स का दिया हुआ है आगे देख लेंगे एट प्रेशर बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट इज कॉल्ड द नॉर्मल इसको ध्यान से देखिए एट वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर टेम्परेचर इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इफ प्रेशर इज वन बार देन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड तो वन एटीएम से थोड़ा सा कम होता है वन बार ठीक है तो अगर वन ए पे ले रहे हैं हम प्रे हम बॉइलिंग पॉइंट तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और अगर हम वन बार पे नाप रहे हैं उस uh, मतलब वेपर प्रेशर को बराबर कर रहे हैं वन बार के तो यहाँ पे देन वट विल बी वट विल इट बी कॉल्ड इट विल बी कॉल्ड ए स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट नाउ द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज स्लाइटली लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ये बात मैंने आपको भी बता दी क्यों क्योंकि वन बार जो है वो थोड़ा सा कम होता है किससे वन ए से बिकॉज इज ऑफ़ वाटर स्टैंड 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी यहां तक कोई सवाल है तो बताइए बेटा नेक्स्ट लेक्चर से श्रेयांस नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा क्या कंटेनर वेरी गुड हनी इफ यू दिस चैप्टर वेरी गुड चलिए कंटेनर पर प्रेशर और वाटर पर प्रेशर सेम नहीं होगा कंटेनर पर प्रेशर की जिस वक्त हम बात कर रहे थे वो किस टाइम की बात कर रहे थे जब जब बिल्कुल भी कंडेंसेशन नहीं हो रहा था जब शुरुआत हुई थी ठीक है और बाद में जब वो पूरे उसमें इक्वल ही रहेगा गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन ना किसने पूछा था अदिति थे हाँ. तो गैस इज प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन तो कंटेनर पे जो प्रेशर होगा वही लिक्विड के सर्फिस पे भी प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम और उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे वाली स्थिति में ठीक है नोट्स कैसे लिखने बेटा एनसीईआरटी से पढ़ना है कोई नोट्स नहीं लिखना इसी में अंडरलाइन करिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपना काम फैलाएं व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एनसीईआरटी पढ़नी है बस ये मैंने इसीलिए आपके सामने खोल दी एनसीईआरटी कि आपको भटकना ही नहीं है कहीं और जो जो बात मैं समझा रही हूँ सब यहां लिखी हुई है और फिर वीडियो लेक्चर्स हैं आपको बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं करना आपको जो लिखना है इसी के बीच में लिख ठीक है, है।, है? इधर उधर भटकना है नहीं अपने टाइम को ऐसा वेस्ट नहीं करना है कि मैं यहां भी लिख लू एक ही चीज को मैं चार जगह लिखू नो no, एक ही जगह पे लिखो यहां पे एनसीईआरटी भी मिल रही है जो कि रिकमेंडेड है और फिर आप नोट्स जो लिखने लेक्चर से जो नोट्स आपको मिल रहे हैं इसमें सब बात लिखी हुई है आपको जहां पे जो बात इस बुक में ना समझ में आ रही हो एनसीआर में वो यहाँ अपनी पेंसिल से लिख लो ताकि जब आप पढ़ो तब आप कॉम्पैक्टली आप पूरी चीज पढ़ सको राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है एट हाई एल्टीट्यूड्स एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज At high altitudes, heights पे 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 अब अब जब हम पहाड़ी पहाड़ी जाते हैं, क्या क्या होता है? अब atmospheric pressure क्या है? What is atmospheric pressure? जो हमारे ऊपर एयर कॉलम है वो जो अर्थ के सर्फेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं जिसको हमने सी लेवल पे वन एटमोस्फेयर कहा है अब जब पहाड़ी पे जाते हैं तो पहाड़ी पे ये जो पहाड़ी अगर यहां है तो ये जो सी लेवल का इतना एयर कॉलम है ये कम है कि नहीं पहाड़ी के ऊपर तो इतना कम प्रेशर लगेगा तो जब प्रेशर कम तो कम वे प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी तो कम ही लगेगा अगर वेपर प्रेशर कम लगेगा बॉइलिंग कराने के लिए वेपर प्रेशर कम लगेगा तो वो टेम्परेचर भी तो कम हो जाएगा जिसपे वाटर बॉइल कर रहा है ठीक है तो कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के डेयर फोर बॉइलिंग जो होगी वो लोअर टेम्परेचर पे होगी एट 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 हायर होगीट्यूड ठीक है तो अब हम इससे और क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भैया है, जब कुकिंग होगी कुकिंग होगी हायर एल्टीट्यूड्स पे सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम वाई बिकॉज वहां पे कुकिंग किसमें होती है वॉटर में होती है तो वॉटर इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू बॉइल इन इन द हायर एल्टीट्यूड रीजन तो हम यहाँ रिकमेंड कर सकते हैं अब चलो जरा प्रेशर कुकर के अंदर चलो वहां क्या होता है प्रेशर बढ़ गया एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया तो अब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ज्यादा वेपर्स बने ताकि वो ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करें और वो जो नया वेपर ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा एटमोसफेयरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हीटिंग तो कुकिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी फास्टर हो जाएगी सो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड एक और कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं सो इट इज रिकमेंडेड टू कुक इन प्रेशर कुकर्स ऑलवेज यूज प्रेशर कुकर्स एट हायर एल्टीट्यूड फॉर कुकिंग चलिए so therefore at high altitudes atmospheric pressure is low therefore liquid at high altitudes boil at lower temp temperatures in comparison to that at sea level since water boils at a low temperature on hills the pressure cooker is used for cooking food in hospitals surgical uh, instruments are sterilized in autoclaves in which boiling point of water is increased by increasing the प्रेशर अब द एटमोस्फेयर प्रेशर बाई यूजिंग वेट्स कवरिंग द वेंट अब हम ऑटोक्लेव uh, यूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज uh, करने के लिए एट अ हायर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट पे तो ये uh, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रेशर बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दे रहे हैं ताकि वो हायर टेम्परेचर पे बॉइल हो ठीक है ताकि स्टेरिलाइजेशन हो जाए बॉइलिंग डज नॉट अकर वेन द लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल Boiling, तब नहीं हो सकती देखिए हमने दोनों बातें करी थी हमने क्लोज कंटेनर करके बात करी थी और हमने दोबारा क्या बात करी थी कंटेनर को ओपन करो ठीक है first, इसको ध्यान से देखिएगा जब आप हीट करना शुरू करते हैं एक लिक्विड को आपने एक ओपन वेसिल लिया ओपन वेसल यानी कि जिसमें ढक्कन नहीं है बिना लिड का लेट मी ब्रेक पानी पी ओके okay. आपने यहाँ पे एक ओपन वेसल लिया आपने उसको हीट करना शुरू किया हीट करने पर आप क्या देखेंगे कि वेपर्स वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको वेपर शुरुआत में क्या होगा वो वेपर्स की डेंसिटी कम होगी धीरे और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपको उन दोनों के बीच में बाउंड्री दिखाई पड़ेगी कि लिक्विड कहाँ खत्म हो रहा है और वेपर कहाँ शुरू हो रही है ठीक इसके बाद आप उसको हीट करना शुरू करते जाएंगे करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो वेपर की डेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी एक समय ऐसा आएगा जब लिक्विड और वेपर की दोनों की डेंसिटी के बीच लगभग सेम हो जाएगी और आप उनके बीच की बाउंड्री नहीं बता पाएंगे देखिए ऑन हीटिंग कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर इंक्रीजेस वेपर्स इंक्रीज इंक्रीज हो रही है तो उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एट फर्स्ट अ क्लियर बाउंड्री इज विजिबल बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर फेज बिकॉज लिक्विड इज मोर डेंस देन वेपर ये बात आपको पता है कि लिक्विड ज्यादा डेंसर है वेपर से एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स गो टू द वेपर फेज एंड डेंसिटी ऑफ वेपर्स राइजेस अब ज्यादा पार्टिकल्स हो गए उस एरिया रीजन में तो डेंसिटी बढ़ गई है इट एक्सपैंड बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट अब जब मॉलिक्यूल्स उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है ठीक है सिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स द सेम वेन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वेपर्स द सेम कह गया हाँ वेपर्स दिसअपियर्स और जब उनकी डेंसिटी सेम हो जाती है उनके बीच जो अलग अलग बाउंड्री दिख रही थी वो दिखना बंद हो जाती है दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर अबाउट विच वी है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड जिसके अबव आपको एक गैस को पहले ठंडा करना पड़ेगा हमने क्या बात करी थी कि जब हमको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है हमको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं एक तो उसका प्रेशर कम करो सॉरी एक तो उसका प्रेशर बढ़ाओ और दूसरा उसका टेम्परेचर कम करो तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके जिसके अबव आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो आपने क्या कहा कि मैं तो सिर्फ भैया प्रेशर ही बढ़ाऊंगा गैस पे और फिर मैं उसे लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा मैं नहीं कर रहा टेम्परेचर कम तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो गैस पे आपको उसकी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा एक सर्टन लेवल तक तो वो जो सर्टन लेवल है उस पॉइंट को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं ठीक है क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव आप कितना भी प्रेशर लगा लो एक गैस लिक्विफाई नहीं होगी आपको उस गैस को ठंडा करना पड़ेगा इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर लाना पड़ेगा अब आप प्रेशर लगाओगे तभी वो गैस लिक्विफाई हो पाएगी ठीक है सो so, यहाँ पे इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर तो जिस वक्त वो बाउंड्री उनके बीच की क्लियर बाउंड्री दिखना बंद हो जाए वो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर ना मूविंग फर्दर नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की आपने देखा होगा अच्छा यहां तक कोई सवाल यहां तक कोई सवाल क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अब विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर अलोन आप सिर्फ प्रेशर लगा के किसी क्रिटिकल uh, टेम्परेचर से आपको बिलो कूल cool करना पड़ेगा आपको दो फैक्टर्स करने पड़ते हैं क्या करने के लिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए एक तो आपको उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है और आपको उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ता है तो टेम्परेचर आपको बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ही आप किसी भी गैस को प्रेशर लगा के लिक्विफाई कर सकते हैं सो दैट टेम्परेचर अब विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउ एवर प्रेशर हाउ एवर हाउ मच प्रेशर यू अप्लाई तो आप सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर ठीक है आदिति क्लियर है क्रिटिकल टेम्परेचर आदिति क्रिटिकल टेम्परेचर क्लियर है चलिए ठीक है अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया जाए हम्म ग्राफ दिया गया है आपको टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ठीक है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में आपको ग्राफ दे दिया जाए और इसके अंदर कुछ ग्राफ बनाए जाएं जैसे कि ठीक है इस तरह से कुछ ग्राफ बना दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से इनमें से किसका वेपर यहाँ पे जो ग्राफ्स दिए गए हैं बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है ये ए बी सी डी एंड ई बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है ठीक है क्वेश्चन है ये चलिए एक बार आप इसे थॉट दीजिए सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए ज़रा इस बारे में थोड़ा सा और मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे ये हो गया आपका वन ए टी एम दिस इज वन एम प्रेशर ये वन ए एम है और टेम्परेचर यहाँ पे एक बार आप जल्दी से चलिए बताइए क्या होगा क्या कहना चाहेंगे आप इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अमन वेरी गुड मैंने पूछा है आपसे बॉइलिंग पॉइंट लो किसका होगा किसका सबसे ज्यादा मतलब सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करें बॉइलिंग पॉइंट लो किसका सबसे ज्यादा होगा ई e का दीजिए बाकी लोग भी आंसर दीजिए थोड़ा सा सोचिए जल्दी से आंसर दीजिए ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लोज करें अदिति ए का चलिए दो उम्मीदवार ए के आ गए एक उम्मीदवार ई का आ गया और बाकी जल्दी बताइए चलिए हम देखते हैं इसको आप देखो वेपर प्रेशर ये सबसे ज्यादा हाई दिख रहा है हमको ए का हम बहुत ज्यादा इसमें अंदर नहीं घुसेंगे आपको बाहर से ही दिख रहा है इसमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेपर की प्रेशर वेपर्स का प्रेशर लगना और वेपर्स कब क्रिएट होंगी जब बॉइलिंग पॉइंट अच्छा किसकी वेपर्स जल्दी बनेंगी वेपर्स उसकी जल्दी बनेंगी जिसमें अब हम इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तक लेके जाते हैं आप देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यानी कि हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है कि देर से बॉइलिंग होगी और देर से बॉइलिंग होगी तो वेपर प्रेशर जो है कम वेपर्स बनेंगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी भी लिक्विड की कम वेपर्स बनेगी वेपर पर्टिकुलर टेम्परेचर तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा एट दैट टेम्परेचर राइट तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम वेपर प्रेशर को देखना चाहें मान लीजिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लें तो हम देखें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसी एक टेम्परेचर पे आप यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है क्यों क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है राइट right? तो यहां पे सबसे कम सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको ए का दिख रहा है ये देखो इस पॉइंट पे देखो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हमको किसका दिख रहा है ए का दिख रहा है ठीक है सबसे ये क्या हाँ इस पॉइंट पे देखो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हमको किसका दिख रहा है ए का दिख रहा है फिर बी का दिख रहा है फिर सी का दिख रहा है इस पर्टिकुलर अरे ये क्या हुआ ठीक है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हमको ए का दिख रहा है यानी कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के पार्टिकल्स में तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ए का ठीक है एंड इसी ऑर्डर में चलेगा सबसे कम ए का फिर बी का फिर सी का फिर डी का और फिर ई e का तो आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं किसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वेपर प्रेशर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एंड देन यू कैन इंटरप्रेट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एज वेल इस तरह के ग्राफ से ठीक है राइट right? और आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि वाई वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ठीक है लिक्विड्स की एनर्जी लोअर हो जाती है और जब लिक्विड की क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड फेज में चले जाते हैं सॉरी गैशियस फेज में चले जाते हैं तो जब लिक्विड को छोड़ के गए हैं तो उस लिक्विड की एनर्जी जो है हायर एनर्जी पार्टिकल्स जब उस लिक्विड को छोड़ के गए हैं तो उस लिक्विड की एनर्जी में आ गया है ड्रॉप और एनर्जी में ड्रॉप यानी कि वहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट हो गया है क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ है ना तो इसलिए वहां पे कूलिंग का इफेक्ट लोअर एनर्जी हो गई होगी चलिए अब हम चलते हैं सरफेस टेंशन की तरफ हाँ जी सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या है सरफेस टेंशन भी एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से आप देखते देखिए ये वही मैंने यहाँ पे आपसे जो अभी

लिक्विड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं अब जो पार्टिकल सरफेस पे हैं उन उनपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अंदर की तरफ बीच में जो पार्टिकल है उस पर सब तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है चलिए आई थिंक टाइम इज अप सो आई थिंक हम इसको पूरा पूरा टॉपिक ये इसको हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे और हम यहाँ पे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात करेंगे आप एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा इसमें आपको जहाँ भी डाउट हो कौन सा लिक्विड स्टेट से शुरू करना जितनी मैंने कराई है और आगे जो मैं लिक्विड स्टेट के बारे में बात करने जा रही हूँ आप सिर्फ अभी फ़िलहाल उतना ही पढ़ेंगे उतना आप पढ़ के आइएगा और उसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो फिर हम डिस्कस करेंगे चलिए थैंक यू सो मच विल मीट अगेन बाय